आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज और आपके साथ मैं हूँ साक्षी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लखीमपुर खीरी में दो दिवसीय खेल कूद समारोह का हुआ आयोजन, धूमधाम से मनाया गया आयोजन। रीवा में लोगों ने की पोलिंग बूथ की मांग, पोलिंग बूथ नहीं वोट नहीं का किया बहिष्कार। रीवा में मंत्री राजेंद्र शुक्ला के करीबी कहे जाने वाले भतीजे अमित शुक्ला कांग्रेस में हुए शामिल। मऊ में बाबा घनश्याम साहब के समाधि स्थल पर होती हैं सभी मनोकामनाएं पूरी। और प्रयागराज में मंडलायुक्त डॉक्टर आशीष कुमार गोयल आगामी कुंभ को लेकर कर रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक। और अब खबरें विस्तार से। जिला लखीमपुर खीरी में लखीमपुर रोड पर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में दो दिवसीय खेलकूद समारोह का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ नगर के लखीमपुर रोड पर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में दो दिवसीय खेलकूद समारोह का आयोजन बड़ी ही धूमधाम के साथ किया गया। प्रथम दिवस कार्यक्रम उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर राधेश्याम जायसवाल रहे और दूसरे दिन कार्यक्रम के समापन समारोह के मुख्य अतिथि गोला नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष मीनाक्षी अग्रवाल रही। खेलकूद समारोह के समापन के बाद मुख्य अतिथि विद्यालय परिवार के द्वारा बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए खेलकूद, कबड्डी दौड़ और भाला फेंक प्रतियोगिता में भाग लेकर विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण किया गया। इस मौके पर विद्यालय के कोषाध्यक्ष ईश्वर दीन वर्मा और प्रधानाचार्य मोहन तायल समेत सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्रा मौजूद रहे। HBN न्यूज से संवाददाता विकास वर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिला के ग्राम कंचनपुर के लोगों का कहना है कि जब तक पोलिंग बूथ नहीं होगा तब तक हम लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। पोलिंग बूथ करीब 4 किलोमीटर दूर मनकहरी में स्थित है। पोलिंग बूथ नहीं तो वोट नहीं का लोगों ने बहिष्कार किया। रीवा मध्य प्रदेश के रीवा जिला के ग्राम कंचनपुर के लोगों का कहना है कि जब तक कंचनपुर में पोलिंग बूथ नहीं होगा तब तक वो वोट नहीं डालेंगे। पोलिंग बूथ करीब 4 किलोमीटर दूर मनकहरी में स्थित है। पोलिंग बूथ नहीं तो वोट नहीं कहा बहिष्कार किया गया। क्या नाम है आपका भैया जी? मेरा नाम मनीष पांडे है। मैं ये मनकहरी पंचायत का एक छोटा सा गांव, ये अपना है कंचनपुर। यहाँ पे करीब 900 से 1000 वोटर हैं। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ से करीब 3 किलोमीटर पोलिंग बूथ है, जिसमें कई बुजुर्ग आदमी हैं जो यहाँ से वोट डालने में असमर्थ हैं। तो हम सभी की आज नहीं, ये पिछले 3 पंचवर्षीय से मांग चल रही है कि इस पंचायत को अलग करके और यहाँ पर एक अलग पोलिंग बूथ बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक मात्रा में मतदान हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लोग इस मतदान में भाग ले सकें। तथा एक हमारे ग्राम की और समस्याएँ। रीवा में मंत्री राजेंद्र शुक्ला के करीबी कहे जाने वाले भतीजे अमित शुक्ला कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और उन्होंने खुलकर प्रचार प्रसार भी किया। रीवा में मंत्री राजेंद्र शुक्ला के करीबी कहे जाने वाले भतीजे अमित शुक्ला कांग्रेस में शामिल हो गए और खुलकर उन्होंने प्रचार प्रसार में जुट गए। संभागीय ब्यूरो चीफ सोनू, पत्रकार HBN न्यूज। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में था, लेकिन हमको ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी कथनी करने में बहुत फर्क जी जी
अच्छा, इस समय जो यहाँ माहौल है तो जनता में काफी उत्साह है कि वक्त है बदलाव का, इसमें आपका क्या कहना है? वास्तव में जनता काफी उत्साहित है, कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा को लेकर के काफी उत्साहित है, और जुझारू नेता हैं, पहले भी थे जी। यदि वो विधायक बनते हैं तो निश्चित रूप से मंत्री बनेंगे, और मंत्री बनने के बाद आप उनके प्रतिनिधि हैं, उनकी पार्टी के हैं, तो जनता के हित के लिए क्या प्रयास करेंगे कि वो क्या ऐसा करें कि जनता जिससे हमेशा उनके ऊपर प्रसन्न रहे? देखिए, सबसे पहले तो उनकी पहली प्राथमिकता है कि युवाओं को रोजगार, सबसे पहली प्राथमिकता जी युवाओं का रोजगार, और जो रीवा की मूलभूत समस्याएं हैं जी, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, इस पर उनका ध्यान काफी मतलब उनको करने की ये चेष्टा है, और जो यहाँ पर गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, जैसे गरीब बेचारे आदिवासी हरिजन, उनको उजाड़ कर करके यहाँ पर जो समदरिया बिल्डर पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है ना, तो ये सब उस पर रोक लगाई जाएगी, और उनसे जैसे एक एकड़ में बसे हैं और एक उनको 10x10 का कमरा दे करके और उनकी करोड़ों की जमीन हड़पा जा रहा है। एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि हमारे रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगा है जी, लेकिन उसमें लोकल लोगों को अवसर रोजगार के नहीं दिए जा रहे हैं जी। अगर आपके पार्टी की सरकार बनती है तो उस विषय में आप क्या करेंगे? हमारी सरकार अगर बनती है और हमारे विधायक अभय मिश्रा जी जीत करके आते हैं, तो सबसे पहले जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, और फिर बाहरी जो हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जगह हम लोग HBN न्यूज़ से हैं, बात कर रहे थे अमित शुक्ला जी से, इनका कहना है कि विकास मऊ जिले के जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर करहा गांव में गुरादरी धाम स्थित है। यहां पर बाबा घनश्याम साहब की समाधि स्थल है, जो कि धार्मिक दृष्टिकोण से काफी अहम मानी जाती है। इस समाधि स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं के सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और इस धाम परिसर में मौजूद पोखरे में माँ गंगा का शुद्ध जल मौजूद है, जिसमें स्नान करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मऊ जिले की जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर करहा गांव में गुरादरी धाम स्थित है। यहां पर बाबा घनश्याम साहब का समाधि स्थल है, जो कि धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व रखता है। इस समाधि स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस धाम परिसर में मौजूद पोखरे में माँ गंगा का शुद्ध जल मौजूद है, जिसमें स्नान करने में संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस धाम पर गुरु पूर्णिमा के मौके पर विशेष मेले का आयोजन किया जाता है, जो लगातार एक हफ्ते तक लगा रहता है। यहां पर आने वाले भक्त तालाब में स्नान कर समाधि स्थल पर दर्शन पूजन करते हैं, और इसके साथ ही अपनी मनोकामना के मुताबिक प्रसाद बनाकर चढ़ाते हैं। इस धाम में 400 साल पुराने बाबा घनश्याम साहब की समाधि स्थल स्थापित है। इस स्थल की मान्यता है कि बाबा घनश्याम साहब अपनी पूजा में व्यस्त थे, और उसी समय उनकी माता जी को प्यास लगी, लेकिन कहीं पर जल की सुविधा नहीं थी, तो घनश्याम साहब ने एक दिशा की तरफ इशारे करते हुए अपनी माँ से कहा था कि उस स्थान पर जाके मिट्टी को हटाएं और वहां पर गंगा जल उपलब्ध मिलेगा। जब उनकी माँ ने उस स्थान पर ऐसा किया तो वहां पर सच में पानी उपलब्ध था। इसके बाद से ही उस स्थान पर हमेशा ही जल उपलब्ध रहता है। बाबा घनश्याम साहब की समाधि है, बड़े तपस्वी महात्मा थे, उनके तपस्या से यहाँ पर अपने आप गंगा जल और गंगा जी प्रकट हुए, उनके बाद और बहुत कैसे कुछ को प्यास लगी थी, उनकी माता जी ने कहा कि मुझे भाई पानी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि वहाँ जल है जा करके ले लूँ, तो गंगा जी उसमें से अपने आप माटी हटाया तो गंगा जी उतर। महात्मा की तपस्या से ऐसा संभव है, हो सकता है। बाबा घनश्याम दास के यहाँ सत्तावाली थे जी जी, और इसके बाद उनकी माता जी ने कहा कि भाई को पानी पिला दीजिए, तो पानी पिलाने के लिए पोखरा गए, पानी नहीं कहीं था, एक चुप्पा उघाड़ दिए, वहाँ से पानी आ गया। प्रयागराज में मंडलायुक्त डॉक्टर आशीष कुमार गोयल आगामी कुंभ को भव्य और दिव्य बनाए जाने के लिए कराए जा रहे
कई निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए उसका स्थलीय निरीक्षण कर और वास्तविक स्थिति की पड़ताल शुरू कर दी है। प्रयागराज में मंडलायुक्त डॉक्टर आशीष कुमार गोयल आगामी कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए कराए जा रहे कई निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए उसका स्थलीय निरीक्षण कर उसकी वास्तविक स्थिति की पड़ताल कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंडलायुक्त परेड ग्राउंड से लेकर बसवार प्लांट तक का व्यापक स्थलीय निरीक्षण कर कुंभ मेला में सफाई व्यवस्था को बारीकी से परखा। उन्होंने सफाई व्यवस्था के लिए लगाई जा रही मशीनों के बारे में जानकारी नगर निगम के अधिकारियों से ली। सफाई के लिए आने वाले मशीनों पर पूरी क्षमता में न आने पर मंडलायुक्त ने नगर निगम के अधिकारियों पर नाराजगी भी जाहिर की और कहा कि सफाई व्यवस्था के लिए लगने वाली मशीनों को जल्द ही मंगवाया जाए और इसमें किसी तरह की लापरवाही ना की जाए। उन्होंने कुंभ मेला क्षेत्र के कूड़े को इकट्ठा कर विभिन्न वैनों के माध्यम से बसवार प्लांट तक ले जाने की प्रक्रिया भी जानी और परेड ग्राउंड से बसवार प्लांट तक खुद गए और वहां पर कूड़े निस्तारण की पूरी प्रक्रिया को खुद जाकर देखा और समझा। उन्होंने हरी भरी के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्लांट में कूड़े का निस्तारण तेजी के साथ किया जाए और प्लांट के अन्य कार्यों को शीघ्रता के साथ पूरा कर लिया जाए। कूड़े से खाद बनाने की प्रक्रिया को हरी भरी के अधिकारियों के द्वारा विस्तार से दिखाई गई। प्रयागराज से जिला रिपोर्टर रणविजय यादव की रिपोर्ट। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए HBN न्यूज। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर।